अज मंत्री होने बाद बनाला पहुंचे हो, किस तरह का मतलब की कहना चाहोगे जेडे अज जिम्मेवारी मिली किस तरह निभाई जाओगी जी बनाले? देखो अज मैं पहले दिन बरनाले आया, बरनाले के सारे जिहड़े साडे साथी है बड़े खुश है, शहर वासी बड़े खुश है क्योंकि 37 साल बाद बरनाले जिहड़ी वजीरी है वो आई है। तो मैं धन्यवाद करता क्योंकि दवाने वाले भी बरनाले के लोग ही है, बड़ा प्यार दिता, बड़ा साथ दिता, बड़ा वड्डे मेहनत नाल जिताया। तो जिते लोगों को खुशी है उत्थे मेरे तो उम्मीदा भी बहुत ज़्यादा ने क्योंकि हर एक यह है भी बड़े लंबे अरसे तो जिहड़े बरनाले के मसले पेंडिंग है उन्होंने जिहड़ा हल होगा। तो मेरे ते प्रेशर भी है पर मैं इमानदारी नाल बरनाले के लोगों नाल वादा करता कि जिन्नियां उम्मीदां ने जिहड़े बरनाले के मसले पेंडिंग है उन्हां सारां दा जिहड़ा हल है वो कढ़िया जाऊगा। बरनाले एजुकेशन की आप गल करते जी, एजुकेशन सारे पासे बरनाला तरक्किया जाऊगा, हेल्थ कन्नियों भी, एजुकेशन बनियों भी, स्पोर्ट्स बनियों भी, होर भी जो भी जिहड़े डेवलपमेंट के काम ने सारे करवाए जाएंगे, ट्रैफिक की समस्या भी हल होगी। आपदे आप लोग मैं वादा करदा भी हुणे मूहों तो कहने भी भाई बरनाले करप्शन तो जी बंद होगी, होर भी जिहड़े सुधार ने लोग अपने आप मूहों कहणगे भी आम आदमी पार्टी दे आउण नाल बड़ा फर्क पिया। प्रायोरिटी की होणगी तुहाडे डिपार्टमेंट दी? देखो साडे डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी तो यही है भी जिहड़ा मेरे कोल ने जिहड़े एजुकेशन हायर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स भी सारिआं दे विच मैं सुधार लैके आवां, देश दा दे विचों पंजाब दे एजुकेशन सिस्टम नूं सब तों बेहतर बनाईए। स्पोर्ट्स के पहला पंजाब का नंबर हुंदा सी, हरियाणा सानूं अगे लंघ गया, पंजाब नूं भी साडे खिडारियों सामने की जरूरत है। जदों मैडल लैके आ जाते उदों तां हरेक सन्मानित कर दिंदा पर वो मैडल तक पहुँचाना किदां है, उन्हां नूं कि चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ना डाइट देनी है, उन्हां दी हौसला बजाई करनी है, इहदे लई भी पॉलिसी तैयार करांगे, नीति तैयार करांगे। मैं कल भी जिहड़े डायरैक्टर स्पोर्ट्स बुलाए थे, सैकटरी हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन सारे बुलाए थे, सारा नाल बड़ी डिटेल च गलबात हुई है। आने वाले समय च भी सारे सिर जोड़ के बैठांगे, नीचे तो लैके उपर तक सारी रिपोर्ट लैके फीडबैक लैके सारिया चीज़ों की जी पॉलिसी है तैयार की जाऊगी। एक देखा जाता क्योंकि जो शिक्षा महकमा टीचर दड़ी समस्या बन चाहिए, बेरोजगार टीचर घट बस टीचर यह लग रहा भी वाला चैलेंज होगा तो? देखो बहुत वाला चैलेंज है, टफ चैलेंज है, साढ़े पंजाब की हिस्टरी दसती है, पर कोई नहीं असी चैलेंज ही है जेडे उ कबूल करने लिए आम आदमी पार्टी जहाँ जो जन्म हो चैलेंज भी असं एक्सैप्ट करा। तो वाकई जोड़ा सुधार है वो लैके आवेंगे, असं दिल्ली भी देखो एजुकेशन से हेल्थ सा मेन एजेंडा से असी उन्होंने काम किया, तो दिल्ली के लोगों ने लगातार साड़ी पिछली बार सरकार बनाई है। तो पंजाब के भी साढ़े दोनों जोड़े मुद्दे है ये मेयर नाले है, असी एजुकेशन से हेल्थ से काम करना, यदा सुधार भी जोड़ा लोगों को आने वाले समझ अभी भी बेरोजगार तो मंग पत्र देने आए हैं कि देखो उन्होंने यूनियन बनिया हुई ने, उन्होंने बेचार के बड़े मसले है जोड़े लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई, तो उन्हों का हक बनता कोई नवा सरकार आई है नवा एजुकेशन मंत्री बनया तो अपनी जी गल है वो आप ही रखना है, असं कोई नहीं सारे की सुनवाई करा, जो भी बेहतर रल मिल के जो हल निकल सकता होगा वो कटा। थोड़े वालों की कहना चाहोगे कोई जो पहला ज्यादा देखने को मिले धरने प्रदर्शन टैंकियां चढ़ना उस देखो मैं हजे ही अपील करता, हजे तो देखो मैं महकमा संभालिया है ना, हजे रातों रात कुछ नहीं चेंज होंगे पर चेंज जरूर करा। मैं सारे टीचर को भी कहना चाहूँगा, सारे जोड़े साढ़े दूसरे साथी अनइंपलॉयड कि हजे सरकार का सहयोग करो, साडा सहयोग करो ताकि असी सिस्टम तो सुधार है जोड़ा, क्योंकि ये ना मीत कला लैके आ सकता ना साडे अफसर कले लैके आ सकते हैं, ये सारे टीचर से सहयोग की जरूरत है, सारे मुलाजमान सहयोग की जरूरत है। वालों एक अनाउंस किया गया कि हर एक विधायक अपने हल्के चलेंगे, जिम्मेवारी थोड़ी पंजाब की भी है। देखो सीएम साहब ने विधायकों को यह कहा भी भाई तुम हल्कों के रहना, तो मंत्रियों को यह कहा भी भाई तुम दफ्तर के बैठना है इतने बैठ के समस्या हल करनी है, पर मैं चलो सैक्रटरीएट भी ड्यूटी लगू उ बैठा पर उदू बिना हल्के तो चलो आना ही आना, इदू बिना भी मैं थोनू आने वाले समय से ज़्यादा फील्ड से देखा करूँगा मैं, क्योंकि जेडे मेरे को डिपार्टमेंट ने उन्होंने जिन्ना टाइम तुम फील्ड से नहीं जाओगे, तुम मुलाजमान की फीडबैक नहीं लाओगे, तुम लोगों की फीडबैक नहीं लाओगे, तो उत्थे चंडीगढ़ के सैक्रटरीएट के कमर से बैठने तुम्हें कोई नहीं पता लगता भी राउंड से की होंगे। मैं ग्राउंड तो उठा लीडर हाँ, 100% मैं परसों ही जी मीटिंग बुलाई है जी साडे जिहड़े ऑफिशियल है उन्होंने नाल, कि जिहड़ी भी प्राइवेट स्कूलों जिहड़ी है
कोई लॉ एक्ट बनया होया वो भी डिटेल है जी लैके आओ वो इन बिन जिहड़ा वो लागू होगा कोई ओहदे च 1% भी कमी पेशी जिहड़ी उहने छड्डी भर्ती नहीं होगी जल्दी भर्ती करन लई जे टीचर बहुत कमियां पई जांदी देखो भी पहली सरकार है नी आम तौर ते जिहड़ी भर्ती हुंदी है वो लास्ट दे 2-4 महीने पहलां जाके सरकारां शुरू कर दियां ने ना इह तुसीं सारा मीडिया कवर करते रहे हो उहदे चों भी कुछ पेपर हुंदे आ किसे च रौला पै जांदा किसे स्टे हो जांदी है किसी कोई वैसे नकल का रौला पै जाता है तो भर्तियां पेंडिंग ही रह जाती है। भगवंत मान मैनू लगता भी हिस्ट्री के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने ये 7 दिन होया 25,000 नौकरियां अनाउंस कर चुके हैं तो 35,000 कच्चे मुलाजम पक्के मूहरे केड़ा कोई इलैक्शन है केवल तो केवल क्योंकि साडा जिहड़ा एजेंडा वह लोगों की सेवा करना पंजाब च रुजगार देना लुट सुट बंद करनी है तो इस करके असी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते इस करके पहले दिन तो जी शुरुआत है वो कर दिखती है ये हूँ नहीं आने वाले अगले 5 साल भी इस तरह के जोड़े चंगे फैसले जोड़े लोगों के अच्छे फैसले है वो लेंदे रहेंगे तो इमानदारी सरकार चला मैं पहला भी कहता कि ना पंजी खानी है ना किसी को खाने देनी है अज भी उन्होंने गलों पे हाँ तो बरनाले के मैं सारे जोड़े नागरिक ने मैं उन्होंने बड़ी निम्रता सहित बेनती करनी चाहना कि बरनाले आप करप्शन फ्री करना थोड़े सहयोग की जरूरत है पर मेरी बेनती है कि किसी ने जाके किसी को धमकाना नहीं सरकारी मुलाजम उत्थे सेवा कर ली साडी बैठे है ठीक है कोई रिश्वत मंगता कोई तंग परेशान करता तो तुसीं सानू आके दसो असीं उपर गल करांगे पर इस तरह का भी कई जगह पर डराया जा रहा धमकाया जा रहा इस तरह का जिहड़ा मैं कहना चाहुंदा कि इस तरह दे जिहड़े काम ने जां इस तरह दी जिहड़ी हरकतां ने ओह ना कीतियां जी गल करिए बरनाला एक अधूरा जिला भी हम लगता कि पूरा जिला 100% शीश जी 100% दुख तोड़ देंगे।